Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची की बात के साथ मैं हूँ रिजवान जाफर। कराची जो कि पाकिस्तान का पहला दारुल खिलाफा था, कराची जो कि पाकिस्तान का आज भी माशी दारुल खिलाफा है, लेकिन उस मकाम पे नहीं है जहाँ होना चाहिए। कराची को अगर आला मकाम पर पहुँचाना है तो उसके लिए हम सबको मिलकर जद्दोजहद करनी होगी, सबको आवाज़ उठानी होगी और कराची के तमाम शहरियों को अपना किरदार अदा करना होगा। हमारा ये प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आ रहा है और हमें उम्मीद है, हमें यकीन है कि आज का प्रोग्राम भी आपको बहुत पसंद आएगा। इस वक्त हम हैं मंगोपीर के इलाके में और मेरे पीछे मंगोपीर का तारीखी मज़ार मौजूद है। बहुत अकीदत और एहतराम कराची, पूरे पाकिस्तान और इस खित्ते के लोगों के लिए इस इलाके से है और ये तारीखी हैसियत रखता है बहुत ज़्यादा। तारीखी हवाले से बेनता मशहूर है इस इलाके में। जो लोग रहते हैं, आज हम यहाँ पर जाएँगे, देखेंगे कि किस तरह से लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये इलाका एक वल्नरेबल एरिया है और बहुत सारे इशूज़ यहाँ से वाबस्ता हैं, चाहे तालीम सेहत के हों या अमन अमान के हों। सबसे पहले मज़ार के बारे में जानते हैं। हमारे साथ सरकारी सतह पर इस मज़ार की खिदमत गुजार खलीफा सज्जाद साहब मौजूद हैं। अस्सलामु अलैकुम खलीफा साहब, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? कुछ तारीखी तौर पर बताएँ क्या अहमियत है इस मज़ार की। तारीख़ के हवाले से आप देखें कि हज़रत सकी सुल्तान बाबा मंगोपीर रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह, बाबा फरीद के पहले खलीफा हज़रत सकी सुल्तान बाबा मंगोपीर रह चुके हैं। लोगों का ये अकीदा है, बहुत ज़माने से उस दौर से आ रहे हैं और जा रहे हैं ज़ायरीन, उनका यहाँ पे अकीदा बहुत है कि यहाँ पर हम आते हैं, चादर चढ़ाते हैं या हार पहनाते हैं बाबा को, तो हमारी अकीदे के तौर पर हमारी मन्नतें और मुरादें पूरी हो जाती हैं। जैसे कि इसकी बैक साइड में मगरमच्छ हैं, वो आप देख रहे हैं कि वो बाबा फरीद शकरगंज रहमतुल्लाह अलैह की निशानियाँ, उन्हीं की करामात हैं जो हज़रत सकी सुल्तान बाबा मंगोपीर में गिफ्ट में दिए थे। तादाद बताएंगे यहाँ पर, ये एक बड़ी अजीब बात है कि इतनी बड़ी तादाद में मगरमच्छ यहाँ मौजूद हैं, तो इनकी तादाद जो है वो कितनी है और क्या है, इसकी तारीख़ क्या है? सर, इस पर हमें तकरीबन 200 के करीब मगरमच्छ है अभी हमारे यहाँ, आप देखें इस बाउंड्री वॉल में, और मैं चाहता हूँ कि इसकी बाउंड्री वॉल भी बढ़ा जाए, बहुत छोटा है। हुकूमत से या आवाम से कोई आप ख्वाहिश का इजहार, को मुतालबा करना चाहें? बस मैं हुकूमत से ये अर्ज़ करता हूँ कि माशाल्लाह मंगोपीर एक बहुत पहले बहुत ख़तरनाक इलाका था, लोग ये समझ रहे थे कि लोग यहाँ पर आ नहीं रहे थे। अब अल्लाह का शुक्र है कि रेंजर्स की अच्छी कार्रवाई, पुलिस की अच्छी निस्बत कार्रवाई से अब बेहतर हो चुका है, अब ज़ायरीन आ रहे हैं, अब पहले से पुरसकून हो गया है इलाका, अब बहुत अच्छे। यही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अमन अमान के हवाले से बहुत सारे सवाल उठते रहे इस इलाके के हवाले से, कि यहाँ पर जो हैं वो लोग के जो इस शहर का अमन ख़राब करते हैं वो यहाँ पे रहते हैं और उनको नहीं पकड़ा जाता है, और बहुत सारे जराइम जो हैं वो इस इलाके में होते हैं। पिछले कुछ सालों से यहाँ पे ऑपरेशन हुए और अब इस इलाके में काफ़ी हद तक अमन है, लेकिन इस इलाके की क्या सूरत हाल है, इस इलाके की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ के स्कूल देखते हैं, यहाँ के प्ले ग्राउंड्स देखते हैं कि लोग किस तरह से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नाज़रीन, मंगोपीर के एक स्कूल के सामने इस वक्त हम खड़े हैं, सरकारी स्कूल है जिसकी बेनता खस्ता हालत है। गनी साहब हमारे साथ हैं, अब्दुल गनी साहब, जो कि एक सोशल वर्कर हैं इस इलाके के। स्कूलों का क्या हाल है मंगोपीर के? दीजिए कि यहाँ पर एक सितम ज़रीफ़ी ये कि महकमा तालीम और मुतलक अफसरान की मुजरबाना गफलत के सबब मंगोपीर में तकरीबन 32 के करीब स्कूलों में से, यूँ समझ लें कि आप 20 के करीब कोई रिकॉर्ड में अच्छा चल रहे हैं, बाकी आपको कोई 10-12 के करीब स्कूल आपको इंतहाई उनकी अमारत मखदूश मिलेंगी। वहाँ बच्चों की तालीम का जो निज़ाम है वो अबतर है, कई स्कूलों की अमारत बाकायदा बोसीदा हैं, कुछ स्कूलों के दरवाजे खिड़कियाँ टूटी हुई हैं। आपके सामने ये गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल है मुल्ला जान महमद गोठ मंगोपीर का, यहाँ आप देखें एक जो कमरा है वो बिल्कुल इंतहाई जल थल हो गया, एक तरीके से खस्ता हाल बोसीदा इमारत में, वो किसी भी वक्त सानिया रूनमा हो सकता है। इसके अलावा फरमाएं कि और क्या बड़े मसले हैं इस इलाके के अंदर? मंगोपीर में खसूसन सेवरेज सिस्टम की इंतहाई अबतर सूरत हाल है।
सीवरेज सिस्टम की वजह से यहाँ आप इलाकों में जाएंगे तो वहाँ टखनों घुटनों तक गंदगी और सीवरेज का पानी जमा होगा, लोगों के जो घरों में वो सीवरेज का पानी दाखिल हो रहा है। इसके अलावा और सीवरेज के अलावा यहाँ दूसरे नंबर पर आपको सड़कों की खस्ता हालत है, बहुत ही खस्ता हालत है। हम खुद जब यहाँ पहुँचे हैं तो बेहतर मुश्किल से इस इलाके में हम घूम पा रहे हैं, हम कहीं कहीं जहाँ भी जा रहे हैं बहुत ही खस्ता हाल है सड़कों। नाज़रीन, इस वक्त हम मंगोपीर के एक बाज़ार में आए हैं और बहुत ज़्यादा हम यहाँ पे रौनक देख रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं आप? इसी क्या कहेंगे कि इस इलाके के क्या हालात हैं? हालात तो यही है, आपका सामने नज़र आ रहे हैं। क्या हालात हैं? अच्छे हालात हैं, अमन अमान है यहाँ पे? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ा बहुत बेहतर है। अच्छा, तालीम की, सेहत की क्या सूरत हाल है? तालीम के यही है, बहुत कम है। आप क्या समझते हैं, ये वक्ती तौर पे अमन है या आप समझते हैं कि अब ये देर पा आ गया है, ये काफ़ी देर तक रहेगा? नहीं नहीं, ये तो अल्लाह करे कि भाई ये कायम रहे और रहने भी चाहिए और ये रेंजर्स के हवाले से काम होने भी चाहिए आगे चल के भी, जो भी यानी इलेक्शन में कामयाब होकर आते हैं तो वो ये रेंजर्स के हवाले तो होना ही चाहिए। अच्छा। इसमें बेहतरी है कि आवाम खुश है इसमें। अब हम आगे बढ़ते हैं और हम कुछ तलाश करते हैं कोई ऐसा पार्क, कोई ऐसी जगह जहाँ पे बच्चे जो है वो खेलते हों और कोई हेल्दी एक्टिविटी करते हों। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि 1952 से फुटबॉल ग्राउंड के लिए ये जगह मौजूद है और जिस तरह से इस जगह को होना चाहिए था बेहतरीन फुटबॉल ग्राउंड, वो नहीं है। बस यही एक बड़ी बात है कि लैंड माफिया से ये जगह बची हुई है और यहाँ के लोगों ने, मकामी लोगों ने और ख़ासतौर पर नौजवानों ने इस जगह को बचाया। यहाँ पर किस तरह के गेम्स होते हैं, लोग क्या खेलते हैं, देखते हैं। नाज़रीन, पहाड़ों के दामन में आप देख सकते हैं कि ये इलाका है और अब इसकी आबादी भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है मंगोपीर की। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कुछ बेहतर अंदाज में प्रैक्टिस हो रही है, बच्चे जो हैं वो प्रॉपर यूनिफॉर्म के अंदर हैं, शूज़ उन्होंने पहने हुए हैं। जी बेटा, इधर आएँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक हैं। फ़ुटबॉल तो आप बड़ी ज़बरदस्त खेल रहे थे, मैं देख रहा था अभी आप, आपको हैं पढ़ते हैं आप स्कूल में ही पढ़ते हैं? यस सर। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? एसवाडाइस। अच्छा, प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं आप, गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं जाते? अच्छे नहीं है गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पे? नो सर। अच्छा, फुटबॉल रोजाना खेलते हैं आके यहाँ पे? यस सर। ठीक है, तो आप लोग आप लोग शूज़ नहीं पहनते हैं, जूते नहीं पहनते खेलते हुए, क्यों? नहीं है जूते नहीं आपके पास? सर ये फटा हुआ है। तो कोई बात नहीं, फटे हुए जूते से भी खेल सकते हैं और ऐसे सस्ते जूते भी मिल जाते हैं कहीं। नाज़रीन, हमारे साथ जमील दीन साहब हैं जो कि ऑर्गेनाइज़र हैं यहाँ पर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के। तो फरमाएं जनाब कि किस तरह का खेल हो रहा है यहाँ पर, बच्चे आ रहे हैं खेलने या नहीं आ रहे? माशाल्लाह, ये ग्राउंड इस टाइम आपके सामने के बच्चे देख रहे हैं कि 100 की तादाद में, हम यहाँ टूर्नामेंट चलाते तो हज़ारों की तादाद में शायकीन होते हैं फुटबॉल के और भरपूर इंजॉय करते हैं फुटबॉल की या कबड्डी, मलाखड़ा, तमाम इवेंट्स हम यहाँ करें। ये ग्राउंड जिसकी ज़मीन जो है 1952 से इसको दी गई कि यहाँ पर जो है फुटबॉल होगी, लेकिन जो है ना ज़मीन हमवार है, ना कोई घास है यहाँ पे, ना बच्चे जो हैं वो सही तरह शूज़ पहन के जो हैं वो फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये मुश्किल तो मौजूद हैं यहाँ पर। सर, यहाँ तो मुश्किल आपको पता है कि लैंड माफिया, जो यहाँ पर लैंड माफिया ने पूरे मंगोपीर के माहौल को ख़राब किया हुआ है कि यहाँ जितनी कत्लो गारत हुई इस लैंड के चक्कर में, ये हमारे कुछ साथियों की मदद से आज इस मकाम पे हम खड़े हैं, तो उनकी मेहनत थी, जद्दोजहद थी। ये फरमाएं कि जब स्पोर्ट्स होता है और फिर जब तालीम होती है तो फिर खुद ब खुद दहशतगर्दी इंतहापसंदी उस इलाके से चली जाती है, यहाँ पे भी क्राइम और दहशतगर्दी एक मसला रहा है, तो आप क्या समझते हैं कि ये स्पोर्ट्स के ज़रिए और तालीम के ज़रिए ही आप इसको शिकस्त दे सकते हैं? इंशाल्लाह बिल्कुल, और हमने दिया है बिल्कुल, यहाँ के हमारे बच्चे, बड़े बुज़ुर्ग तमाम ये गवाही देंगे कि ये यहाँ पर तकरीबन 7 से 8 फुट पानी था इस ग्राउंड के अंदर, जो हमने तमाम मुखैर हजरात से कुछ हमने कोशिशें की, इसको भराई की, किसी गवर्नमेंट ने हमारी सपोर्ट नहीं की, ना बल्दियाती नुमाइंदों ने की, ना MNAs ने की, ना MPA ने की। आज मंगोपीर के इलाके में आए, इसी तरह से और जो कराची के मुजफ़ात में इलाके हैं वहाँ पर भी हम जाते रहेंगे और वहाँ से उस इलाके के अवाम की आवाज़ आप तक पहुँचाते रहेंगे। ये शहर आप क्या समझते हैं सर, एक रेजिलिएंट शहर है? 60 से ये स्ट्रगल करता आ रहा है शहर। उस वक्त भी क्या आप यही उम्मीद की बात करते थे? हमें खबर है कि हमें चिराग है आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है।
नाज़रीन आज हम आए हैं कराची की बात करने, पाकिस्तान के मारूफ दानिश्वर राइटर शायर महमूद शाम साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जी। और उसके साथ साथ सबसे बढ़कर ये कि हमारे इस कराची शहर के एक सीनियर जर्नलिस्ट, क्या फ़र्क देखते हैं सर माजी के कराची में, आज के कराची में क्या बदला है, क्या चीज़ें बदल गई हैं? नहीं, बहुत कुछ बदल रहा है। और वैसे भी ज़ाहिर है कि तारीख तो यही है, शहरों की भी, मुल्कों की भी, इंसान की भी, कि बदलते रहते हैं। बार दफ़ा चेंज फॉर बेटर होती है, बार दफ़ा चेंज फॉर वर्स्ट होती है। लेकिन अब मैं समझ रहा हूँ कि इस वक्त जो 2017 का कराची है वो काफ़ी पहले से बेहतर है। हमने जो 1967 में फिर 75-76 तक जो देखा, वो कराची भी बहुत पुरअमन था और बहुत कुछ था। समंदर की हवा तो यहाँ हमेशा से ही रही है, दिलकश। उस वक्त ये कि तफरी गाहें बहुत थीं और बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, सब कुछ। लेकिन जब से फिर ये हमारा कुछ सियासी लिसानी सिलसिले हुए, ठीक है, उस वक्त से फिर एक कशीदगी बढ़ती चली गई। लोगों की हिजरतें भी हुई हैं शहर के अंदर ही, कि कहीं वो महफूज नहीं है मसलक के लिहाज से, कहीं ज़ुबान के लिहाज से, नस्ल के लिहाज से, तो वो फिर दूसरे इलाकों में चले गए जहाँ उनकी अक्सरियत थी। तो ये भी चीज़ें हमने देखी जो बड़ा अफसोसनाक है। जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, ब्लैक डेज की, तो ये सहाफ़ियों का और ये हमारे न्यूज़पेपर मैगजीन का आप क्या समझते हैं, क्या पॉजिटिव रोल रहा या उस वक्त भी जो है एक अखबार बेचने के लिए ये जो बड़ी बड़ी सुर्खियाँ लगती थी, तादाद बताई जाती थी, आज इतने जो है कराची में लोग हलाक हो गए, आज ब्रेकिंग न्यूज़ है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, उस वक्त जो है वो ज़मीन में निकलते थे, बिल्कुल। तो ये इसको आप कोई पॉजिटिव रोल कहेंगे जर्नलिस्ट का? नहीं, जर्नलिज्म का इस पर बड़ी बहस रहती है प्रोफेशनली, कि यह है कि जो कुछ हो रहा है वो तो बताना फ़र्ज है अखबार का भी और जो भी चाहे मीडिया हो, लेकिन उसको बढ़ा चढ़ा कर एग्जैग्रेशन करके करना, वो एक आपको कौम का भी ख्याल रखना पड़ता है। और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर मुल्क हैं जो अभी डेवलप हो रहे हैं, वहाँ तो आपको खालिसतन को प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन की से हट के भी कुछ सोचना चाहिए कि इसका लोगों पर क्या असर पड़ेगा, कि लोग यहाँ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर मुश्तिल हो जाते हैं मसलक के लिहाज से, हो जाते हैं कभी ज़ुबान के लिहाज से, तो वो चीज़ें सामने रखनी चाहिए। ये शहर आप क्या समझते हैं सर, एक रेजिलिएंट शहर है? 60s से ही ये स्ट्रगल करता आ रहा है शहर, और इतने बड़े शहर में होता है कि करीबी कहीं 8-10 कत्ल हो गए हैं, लेकिन दूसरे इलाके में वो अपनी सरगर्मी जारी है। बार दफ़ा उसको लोग ये भी कहते हैं कि ये बहुत ही शक्कील कल्बी है, लेकिन जब आपको रजिस्ट करना है, क्योंकि जो दहशतगर्द हैं वो भी यही चाहते हैं कि भी एक सन्नाटा हो जाए, लोग मारे जाएं, लोग बाकी अफसोस में हो जाएं। तो अगर उनका जवाब देना है तो आपको अपनी ज़िंदगी का मुजाहरा इज़हार करना चाहिए। बिल्कुल, और यही जवाब है, यही जवाब है, बहुत बेहतरीन जवाब है। ये फरमाएं सर, आज तो आप उम्मीद की बात कर रहे हैं कि 2017 में बहुत हालात बेहतर हैं, लेकिन जब ये हालात बेहतर नहीं थे, थोड़ा सा अगर पीछे जाएँ, तो उस वक्त भी क्या आप यही उम्मीद की बात करते थे? उस वक्त भी आपको उम्मीद नज़र आती थी कि नहीं, आज हालात ख़राब हैं तो कल बहुत बेहतर हालात हो जाएंगे शहर के? ज़हीर कश्मीरी का है ना कि चिराग हमें खबर है कि हमें चिराग है आखिर शब, हमारे बाद अंधेरा नहीं उजाला है। ये शहर ने तो बहुत ज़्यादा रजिस्ट किया है और हर किस्म की यहाँ दहशतगर्दी रही है। बाज जगह तो सिर्फ मजहबी इंतहा पसंदी है, यहाँ तो आपको मजहबी भी रही, लिसानी भी रही, नस्ली भी रही। तो जिस तरह से जो भी लियारी में और बाकी इलाकों में जो तरह हर किस्म की यहाँ वो है कि मुज़ाहमत भी की है, और फिर बहुत से लोग हैं जिन्होंने उसको रिस्क भी किया और उसमें कोशिश की कि अमन व अमान हो। मतलब आप ईदी साहब का नाम लिए बगैर नहीं रह सकते, कि और कोई भी जो सरकारी तो कोई नहीं होता था लाशें उठाने वाला, वो जाना गोलियों के अंदर जा रहे हैं वो ज़ख्मियों को उठाने के लिए। तो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इसमें अमन कायम करने के लिए यहाँ बहुत कोशिशें की, मरबूत कोशिशें, फिर अदब में, थिएटर में, ड्रामों में भी बहुत कुछ हुआ है जो उस ज़माने में के लोगों की तवज्जो इससे हटे और लोग मुस्बत सरगर्मियों की तरफ आएँ। ठीक है, इसी तरह दरसगाहों ने भी, तालीमी इदारों ने भी बहुत काम किया, बिल्कुल उनका भी अपना एक रोल है। सर ये फरमाएं, ये जो आप बात कर रहे हैं इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी,
ये सब चीज़ें क्या आज हम जब ये आपसे बात कर रहे हैं तो आप क्या समझते हैं कि क्या शहर से अब ये मुकम्मल ख़त्म हो चुकी हैं या अभी भी मुख्तलिफ पॉकेट्स में मौजूद हैं? मेरा जिसमें नज़रिया रहा है और मैं इस पर लिखा भी बहुत है कि ये एक आप जब कहीं वाक़या हो जाए, चाहे वो खुदकुश हो, वैसे कोई हो, फायरिंग वगैरह हो, वो तो आप वहाँ सिक्योरिटी मेजर्स तो आप ले लेते हैं, पुलिस आ जाए, फौज, रेंजर्स, लेकिन जहाँ ये जहन तैयार हो रहे हैं जी, जो इसी को समझते हैं कि राह निजात है और इसी के ज़रिए हम वो अपने आप को समझते हैं कि जन्नत का रास्ता भी यही है, तो वहाँ काम करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट की ऑनरशिप है, आप अगर वोट देते हैं तो आप सोचते हैं कि भाई मतलब आपको गवर्नमेंट डिलीवर किस जगह पे कर रही है, एक शख्स सोचने पे तैयार हो जाता है, तो जो हुकूमत है उसको भी तो अपना रोल अदा करना होगा। हुकूमत हमसे टैक्स लेती है जी, उसके बदले में जो तीन चार चीज़ें हैं, तालीम, सेहत और ट्रांसपोर्ट, कि मैं अपने घर से दफ्तर, दफ्तर से या कारखाने जाना है जिसको वो जा सके, अच्छी ट्रांसपोर्ट हो, महफूज और सही वक्त पर पहुँच जाए, ये तीनों चीज़ें फेलियर है और प्राइवेटाइज हो चुके। सर ये फरमाएं कि 10 साल बाद, 15 साल बाद कराची को किस जगह देख रहे हैं? माशाल्लाह आबादी तो इसकी इतनी हो जाएगी कि ये मेरा ख्याल पाक मुल्क के दो, दुनिया के दो तीन बड़े शहरों में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन बाकी जो हालात हैं वो और ज़्यादा ख़राब ही नज़र आते हैं। अमन का मुस्तकबिल इस शहर में, अमन का मुस्तकबिल, कोई ऐसी कोशिशें नहीं हो रही हैं कि जो आप ये जो कंजेशन है सड़कों पे, गाड़ियों का कंजेशन है, आबादी का, इसको जब तक आप कंट्रोल नहीं करेंगे तो अमन अमान काफ़ी मुश्किल होता है उसका। तो सर कुछ शायरी भी अगर आखिर में आप पेश कर सकें जो कुछ कराची के लिए अगर आपने लिखी है तो। कभी मैं शहर में हर गांव बिखर जाता हूँ, ये भरा शहर कभी मुझ में सिमट आता है, कभी मैं शहर में हर गांव बिखर जाता हूँ, शहर से रहती है एक जंग मुसलसल दिन भर, शहर जब हाँपने लगता है तो घर जाता हूँ। वाह ज़बरदस्त, उम्मीद की जानी चाहिए कि जब बलदियाती इदारे कुछ ही हद तक बहाल हुए हैं तो और ज़्यादा बेहतरी की तरफ जाएंगे। हाँ। तो उसके बाद हम उम्मीद कर सकते हैं कि हर शहरी को यहाँ जो उसका हक है वो भी मिले। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच कि आपने खूबसूरत ख्याल का इजहार किया। निकलने वाले बच्चों ने क्या कारनामे अंजाम दिए? माशाल्लाह अभी तक हमारे कोई 60-70 बॉयज़ जो अपने जॉब्स पे गए हैं, अपने करियर शुरू किए, शादियां कर ली हैं, और तकरीबन इतनी ही लड़कियां। और आपको ये बताऊं कि तकरीबन हमारे 150-155 ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, तो अब तो वो सारे आते हैं, पूरी फैमिली। जब 23 मार्च को हम लोग गेट टुगेदर करते हैं फैमिली। कराची में ऐसे बहुत सारे इदारे हैं जो ज़बरदस्त खिदमात अंजाम दे रहे हैं, उनमें से एक है SOS चिल्ड्रन विलेज। आज यहाँ पर हम आए हैं मुलाकात करने के लिए उन बच्चों से कि जिनकी परवरिश इस इदारे में हो रही है, ऑर्फन बच्चे या डिस्प्यूटेड फैमिली के बच्चे या डिस्टर्ब बच्चे जिनका कोई पूछने वाला नहीं है, उन्हें SOS विलेज में रखा जाता है। वो किस तरह यहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं आइए देखते हैं। कैसी हम? खैरियत से? ठीक ठाक हैं। हम बड़ी खुशी महसूस करते हैं जब भी SOS चिल्ड्रन विलेज आते हैं, लेकिन आज का हमारे साथ, हमारा आपके साथ प्रोग्राम ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए है जो SOS चिल्ड्रन विलेज के बारे में कुछ नहीं जानते, तो फरमाएं ज़रा क्या है SOS चिल्ड्रन विलेज? हम जी बेसिकली चाइल्ड केयर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि दुनिया में सबसे बड़ी बच्चों का तहफ़ करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। इस वक्त हम लोग तकरीबन 134 ममालिक में काम कर रहे हैं। हम हैं तो इंटरनेशनल SOS का पार्ट हैं, लेकिन आपको ये जान के खुशी होगी कि SOS पाकिस्तान जो है वो थर्ड वर्ल्ड कंट्री में वाहिद मुल्क है जो कि सेल्फ फाइनेंस्ड है, और ये हम टोटली पाकिस्तानियों की मदद से चल रहे हैं। तो हम लोग उन बच्चों को जो किसी वजह से या तो अल्लाह ने
उनके पेरेंट्स ले लिए, यतीम हैं, दोनों पेरेंट्स नहीं हैं या एक पेरेंट नहीं है और वो किसी वजह से फैमिली में नहीं रह सकते, या वैसे ऐसी फैमिली जो किसी वजह से ब्रेक हो गई और मतलब वजूहत हैं, माँ बेवा है, डिवोर्स्ड है, दूसरी शादी करती है, आपको पता है माशरे में इस वक्त किस तरह की बुराइयाँ, कैसे हालात चल रहे हैं, तो वो बच्चे जो उनके लिए ज़िंदगी आसान नहीं होती हम उनको ले लेते हैं और उनको हम एक फैमिली का एनवायरनमेंट देते हैं। आपको SOS और बाकी अदारों में से यही फ़र्क नज़र आएगा कि हमारा जो बेसिक फिलॉसफी है वो ये है कि बच्चा जो है वो एक फैमिली के बगैर उसको बड़ा करना जो है उसकी साइकोलॉजी के लिए, उसके कॉन्फिडेंस के लिए, उसका एक इंडिपेंडेंट सिटीजन बनने के लिए रुकावट होती है। तो हम उसको एक शहरी का एक अच्छा शहरी बनाना चाहते हैं और उसको एक घर का माहौल देते हैं जहाँ माँ होती है, 10 बच्चे होते हैं। तो हम चलते हैं मेरे बिल्कुल जी, बिल्कुल और जी। देखते हैं कुछ फैमिली किस तरह से रहे। बिल्कुल जी। अस्सलाम वालेकुम जी। ये जी रुबीना है, यहाँ पे ये मदर हैं, पिछले 15-16 साल से हमारे साथ है और माशाल्लाह बहुत सीनियर और बहुत एक्सपीरियंस है। एक घर में कितने बच्चे रहते हैं? एक घर में जी आइडियली जो हमारा है वो तो 10 होते हैं, लेकिन ये है कि चूँकि बच्चे यूथ हो भी जाते हैं बीच में आना जाना, तो 9-8 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, तो इस घर में 10 बच्चे हैं। ये बच्चे रहते हैं यहाँ पर जो? जी जी जी। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? अली नाम है आपका। और बेटा आपका? ईमान। और आपका? तुबा। आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पर? मुझे 7 साल हो गए। आप इधर आए, जरा इधर मैं आपको आपके साथ आपका घर भी देखूँ ना। मैं जी ये बच्चियाँ भी देख लें। आ जाओ बेटा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? क्या नाम है आपका? सोनिया। सोनिया कितना अर्सा हो गया यहाँ पे आपको? 7 इयर्स हो गए। तो कोई किसी किस्म की किसी कोई मुश्किल तो नहीं है यहाँ रहते हुए? तो ये आपका जो है ये जगह जो है यहाँ क्या करते हैं आप? ये हम यहाँ पर खेलते भी हैं, पढ़ते भी हैं, टीवी। इस जगह को क्या कहेंगे, डाइनिंग कहेंगे? लिविंग रूम है। लिविंग रूम कह सकते हैं बिल्कुल। और किचन उस तरफ मौजूद है और यहाँ पे आपका सोने की जगह, यहाँ जा सकते हैं, देख सकते हैं। आइए आइए, हम आपके बेडरूम में आए हैं, तो यहाँ पे आप लोग जो हैं वो काफी, ये आपका बेडरूम है, यहाँ पे आप सोते हैं, तो आप फरमाएं सब कुछ सेट है यहाँ पे? जी यहाँ पे सब कुछ सेट है, बहुत मजा आता है और हर चीज मिलती है। नाज़रीन आप देख सकते हैं कि हर उम्र के बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं और ख़ास तौर पे जो गर्ल्स हैं वो तो यहाँ पर अपनी शादी तक रुकती हैं, जॉब तक रुकती हैं। बॉयज़ को ये होता है कि 12 और 13 ईयर्स की एज में फिर उन्हें एक यूथ हॉस्टल है, वहाँ शिफ्ट कर दिया जाता है। आइए चला से बड़ा ज़बरदस्त जो है वो घर बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, आप कैसी हैं? ठीक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है। फरमाएं किस तरह से एक फैमिली, एक बच्चे जिनके माँ बाप अपने माँ बाप के साथ नहीं रह रहे हैं, जो कि या तो उनके माँ बाप नहीं हैं या कोई एक नहीं है या किसी डिस्प्यूटेड फैमिली से आए हुए हैं, तो उनके साथ इस तरह रहना कि उनको माँ बाप की कमी महसूस ना हो, ये तो बड़ा मुश्किल टास्क है आपके लिए। जी मुश्किल भी है और इसमें जो है ना खुशकिस्मत भी है। मुश्किल इतना नहीं लगता जितने हम समझते हैं, हम खुशकिस्मत ही हैं, ऐसे बच्चों को हम केयर कर रहे हैं, ऐसे बच्चों को हम देख रहे हैं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है। और हमें इनको इतना प्यार देना होता है, इनको अपनी फैमिली इतनी याद नहीं थी जितने हमसे प्यार हो जाता है। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे मैं देख रहा हूँ, है क्या नाम है बेटा आपका? एमन। एमन देखें माशाल्लाह से यहाँ पे हमारे साथ। एमन किस क्लास में पढ़ती हैं? SPA। वाओ, आपका नाम? मायरा। बेटा आपका नाम क्या है? अलीशा। अलीशा। मरियम। मरियम। सात। सात। दुआ। दुआ। फातिमा। फातिमा माशाल्लाह, इतने प्यारे प्यारे नाम सबके। और बेटा आपका नाम? शामीर। शामीर। समीर। समीर। आपका? उमेरा। अच्छा आपको कितना अर्सा हो गया यहाँ पर? 10 इयर्स। 10 इयर्स हो गए हैं, तो आप 10 इयर्स से SOS चिल्ड्रन विलेज में हो। आप ये बताओ बेटा कि यहाँ सब कुछ ठीक है, किसी किस्म की कोई आपको मुश्किल तो नहीं हुई 10 साल के तवील अरसे के अंदर? नहीं, मुझे कोई मुश्किल नहीं। और इन सब में सारे बच्चे आपको अच्छे लगते होंगे, सारे आपके छोटे बहन भाई हैं, सबसे ज़्यादा प्यार आप किसको करती हो? एमन को। एमन भाई, एमन इधर आ जाओ जल्दी से। एमन को कितना अर्सा हो गया यहाँ पर? 1 ईयर भाई। एमन, एमन, एमन सामने देखें आप, ये देखें इधर, इधर कैमरे में देखें हैं। तो एमन तो बड़ी प्यारी बच्ची हैं, और आपकी मदर जो हैं वो यहाँ पर, वो मेरे ख्याल से आप हैं जी, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त खिदमत अंजाम दे रही हैं आप। अस्सलाम वालेकुम।
तो कितना अर्सा हो गया आपको SOS चिल्ड्रन विलेज में? 6 ईयर हो गए। 6 ईयर हो गए माशाल्लाह से। तो आप क्या समझती हैं 6 ईयर में आपने ये बहुत मुश्किल काम है कि किसी को माँ का प्यार देना, बाप की जगह उसको शफ़क़त देना, तो कभी कभी बच्चे चिढ़ भी जाते होंगे आपस में, बच्चे हैं छोटे आपस में लड़ते भी होंगे, कभी इन्हें बहुत सारी कोई डिमांड भी करते होंगे, टीवी देखते हैं उसमें बड़ी चीज़ें नज़र आती हैं, उससे भी जो है इनके अंदर कुछ चीज़ें पैदा होती होंगी, कैसे हैंडल करती हैं सारी चीज़ें आप? ये मैनेजमेंट पर होता है क्योंकि हम अकेले तो नहीं काम कर रहे होते हैं, हमारे साथ सब इस पूरा स्टाफ होता है, तो जहाँ हमें कहीं प्रॉब्लम क्रिएट हो रही होती है हम ऑफिस से रुजू करते हैं। बाकी घर को हैंडल करना, बच्चों को एक साथ लेकर चलना वाकई बहुत मुश्किल काम है। मैं तो हमेशा यही कहती हूँ कि ये एक जंग है जो हर वक्त हर वक्त का महासो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं कहीं ऐसी जगह पर हमें हथियार भी डालने पड़ते हैं कि हमें अपने ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर बहुत एक्टिव रहना पड़ता है। स्कूल जो है इनका यही है जो बराबर में मौजूद है, SOS स्कूल जो है उसी में जाते हैं, और उस स्कूल के अंदर जहाँ SOS चिल्ड्रन विलेज के बच्चे जाते हैं वहाँ जनरल बच्चे भी आते हैं, उनके साथ ही ये बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पे जाते जाते चौथे मोहल्ले में मैडम कह रही है कि एक छोटी बच्ची से हानी को बुलवा दें, हानी को। और नाम हानी, नाम भी आपने रखा है? नहीं नहीं, उसका नाम है उम्मे हानी। अच्छा, पीछे से आया, लेकिन बस वो इतनी स्मार्ट चीज है कि अच्छा। आप जी आ जाओ, अस्सलाम वालेकुम हानी। बेटा आओ जनाब, देखें हम कितनी जबरदस्त बच्ची से मिलने आए हैं। बेटा आइए आइए, वाओ, उम्मे हानी इनका नाम है? हानी नाम है जी। ठीक है, ये यंगेस्ट, और अभी ये यंगेस्ट है अभी इधर एसओएस आई थी, अभी दो चार, अभी तो डेढ़ दो साल की हो गई है। टू इयर्स की हो गई। अच्छा नाज़रीन, हम पार्क में दाखिल हो गए हैं और यहाँ पर मैं एक क्रिकेट की पिच भी देख रहा हूँ और फुटबॉल के लिए गोल भी देखा जा रहा है। मैडम, इस पार्क में क्या क्या होता है? इसमें जी जो कुछ हो सकता है, फुटबॉल अच्छा। भी खेलते हैं, दौड़ते भी हैं, पार्टीज भी होती हैं, और शादियाँ भी हुई हैं, कभी गर्मियों में शादी हो बच्चों की, और रोज़ा अफ्तारियाँ भी होती हैं, सारा कुछ ही हमारा ये है। और यहाँ पे स्काउट्स के कैंप भी होते हैं? जी, स्काउट के कैंप भी होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और हमने देखा कि बच्चे बड़े ज़बरदस्त अंदाज में यहाँ पे कैंपिंग करते हैं। जी, पार्क बहुत ही ज़बरदस्त है, आज तो बहुत हार्ड लाइट हुई हुई है, गर्मी है। मैं जब यहाँ पर अक्सर आया हूँ तो बच्चों को मैंने शाम के टाइम में खेलते हुए देखा, और कैंपिंग भी हमने की यहाँ पे स्काउट्स की, इस कैंप में। तो इसकी सफाई के लिए क्या कैसे ख्याल किया जाता है? बस जी मेहनत तो करनी पड़ती है, और माशाल्लाह मैं अगर ये कहूँ ना कि हमारे मेरे जो को वर्कर्स हैं, मेरे जो वर्कर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, और हमारी सारी टीम बहुत अच्छी है। ये सारे लोगों की मदद और सारे लोगों की जान फिशानी के बगैर नहीं होता, और माशाल्लाह सारे लोग बहुत डेडिकेटेड हैं। और अभी तो आज चूँकि मेरे कुछ और एक्टिविटीज़ थी, वरना माशाल्लाह सुबह से लेकर शाम तक सारा दिन ये लोग खून पसीना एक करते हैं और अपने दिल से काम करते हैं। अचीवमेंट्स आपकी जी, जो बच्चे कितना अर्सा हो गया SOS विलेज को, और यहाँ से निकलने वाले बच्चों ने क्या कारनामे अंजाम दिए? अभी तक मैं एक रफ अगर बताऊँ, माशाल्लाह अभी तक हमारे कोई 60-70 बॉयज जो अपने जॉब्स पे गए हैं, अपने करियर शुरू किए, शादियां कर ली हैं, और तकरीबन इतनी ही लड़कियां, टोटल 120-130 टोटल बच्चे होंगे। लड़कियों को भी हम ये नहीं कहते खाली शादी कर रहे हैं, उनकी भी तालीम, करियर और फिर शादी, लड़कियों की शादी भी के लिए हमारी कमिटमेंट है। तो वो बच्चियां बड़ी हैप्पीली मैरिड हैं, खुशगवार जिंदगी गुजार रही हैं, अपने बच्चों के साथ आती रहती हैं, और ये उनका मेका है, और हमारी जो SOS फैमिली है। और आपको ये बताऊँ कि तकरीबन हमारे 150-155 ग्रैंड चिल्ड्रन भी हैं, तो अब तो वो सारे आते हैं, पूरी फैमिली जब 23 मार्च को हम लोग गेट टुगेदर करते हैं फैमिलीज का। ये फरमाएं कोई आपका ऐसा मुतालबा कि जो आप SOS चिल्ड्रन विलेज के लिए करना चाहें? SOS के लिए देखें, हम लोग पब्लिक डोनेशंस पे ही चलते हैं, और जितना भी हो सके बच्चों के लिए, बच्चों के आजकल के खर्चे, आजकल के हालात, बच्चों की स्कूलिंग, हम बच्चे को स्कूल कॉलेज तक जितनी उसकी पोटेंशियल होती है उसको लेके जाते हैं। तो यकीनन उनके लिए हमें पैसा भी चाहिए, मदद भी चाहिए। नए प्रोजेक्ट्स हमारे जामशोरों में, खैरपुर में बने हैं, वहाँ भी हम स्कूल अब बना रहे हैं। तो जो भी हो सकता है आप ज़रूर इसमें कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि ये मैं कह सकती हूँ कि बड़े ट्रांसपेरेंटली SOS जो है वो आपके अमानत, आपकी डोनेशंस उन बच्चों तक पहुँचा। तो थैंक यू वेरी मच मैडम, बहुत खुशी हुई यहाँ पर, और आपको हम खराज तहसीन पेश करते हैं पूरे शहर, पूरे पाकिस्तान की जानिब से। नाज़रीन, कराची की बात आपको पसंद आ रहा है, आपके फीडबैक से अंदाज़ा हो रहा है, इस पर आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
हम चाहते हैं कि हम आप मिलकर कराची को बेहतर से बेहतर बनाएं। आप इस सिलसिले में अपना फीडबैक हमें देते रहिए। रिजवान जाफर को इजाज़त दीजिए, आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। कराची की बात देखते रहिए। हमारे साथ हैं FPCCI यानी फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रेसिडेंट जुबैर तुफैल साहब। कराची जितना अच्छा चल सकता था उतना अच्छा नहीं चलाया जा रहा। कराची में बहुत सारी चीज़ें करने की ज़रूरत है। शहर की जो मुश्किलात हैं वो सब आपके सामने हैं, शहर के मामलात आपके सामने हैं। ख़ास तौर से एक कचरे की जो सूरत हाल है तो बड़ी मायूस होने है। नाज़रीन आज हम आए हैं कराची में फुटपाथ स्कूल में। मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे। मैं तो देखूंगा, मैं तो देखूंगा, तुम भी देखोगे, तुम भी देखोगे। हमारे साथ मौजूद हैं सईदा इन्फाज़ अलीशा जैदी साहिबा। तो ये कैसे ख्याल आया आपको इस तरह का स्कूल खोलने का? यही वो बच्चे हैं जो आगे जाके डिफरेंट क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नज़र आते हैं, ड्रग्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं और बहुत बासानी गैर मुल्क के जो लोग हैं इन्हें दहशत गर्दी के लिए पिन पॉइंट करते हैं। तो हम बुनियाद को पकड़ें, जब तक हम उस बुनियाद को, उन रूट्स को पकड़ेंगे नहीं, पत्ते झड़ते जाएंगे, नए पत्ते आते जाएंगे।